दौड़ 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 दो। टाइम हो गया सुबह के 9:16 और मैं आ गई हूँ अपने सबसे फेवरेट स्थान पे। अभी तक मैं वीडियो एडिट कर रही थी, थोड़ा मुझे लेट हो गया। धूप भी मास तो तेज धूप हो गई है। खाना बनाते बनाते सब बन गया। लास्ट की दो रोटियां मेरी, एक ये, इसके बाद एक और दो ही रोटी मैं खाऊंगी। दादी खा रही है, दादी की बेस्ट फ्रेंड आ गई आज सुबह ही। कल बताया था दादी आ चुकी है। राम राम दाई। कल ही बताया था दादी आ गई सुबह से रुकाने के। दोस्त होती है। गर्मा गर्म बढ़िया रोटी खा लूं, क्योंकि आज तो फिर शायद मैं वापस रोहतक चली जाऊंगी। तो मैं कहा सुबह सुबह चलते। चीनू ड्रेस दिखाओ बुई को, इतनी सुंदर ड्रेस पहन के रोता कौन है। सुबह सुबह ना रोटी खाने की आदत नहीं है, ठीक है। अपना जिम गए, आई, ओट्स खा लिया, ऑमलेट खा लिया। दो दिन तक गांव में आई हूँ ना, सुबह सुबह अपने आप लम्मा चूल्हे पे जाकर रोटी बनाने बैठे ना, तो यूँ हो जाए कि हाँ चूल्हे की रोटी खानी है। आज भूख नहीं थी, उसके बाद भी मैं दो रोटी खा गई और मेरा पेट अब यूँ हो रहा है कि मैं बस लेट जाऊँ। है माँ गाटा खाते देसी रोट पाऊंगी बेबी। कोई साजिश तो नहीं है, मतलब अगर मैं यहाँ पर रुक गई ना 10-15 दिन मैं फूल जाऊंगी, पूरी फुटबॉल हो जाऊंगी। माँ रुक जा, फुटबॉल करके भेजोगी? हाँ? इतनी मेहनत है तो थोड़ा बहुत यूँ फिट हुई हूँ, आप मेरी फुटबॉल बना दियो है। और अभी जो है माँ खाना खा रही है। भाभी कह रहे आपके फुटबॉल बना देंगे, ठीक है गोलू के काम आगे, गोलू खेल लेगा। टाइम हो गया है 11:25, सारी पैकिंग हो गई है, पूरी तैयारी हो गई है मेरे रोहतक वाले घर जाने की है। माँ चलना ही फिर माँ फिर जब भी जाना हमेशा ही होगी, फिर आ जाओ। ईब तो माँ से ही बताऊँ, ईब नहीं बेरा ईब आगे कब दोबारा आया जाएगा। ईब आ सकू थी तो मैं आ गई। और अभी रोहतक वाले घर जाने से पहले मैं जाऊँगी भट्ठे पे, मैं मतलब दो भट्ठे अपने, उस वाले पे जाऊँगी जिसपे पापा होंगे, क्योंकि मेरा मन है काफ़ी टाइम हो गया भट्ठे पे, क्योंकि एक बार थोड़ा सा 5-10 का टाइम ही सही भट्ठे पे लगा के फिर वहाँ से सीधा निकल हो चुके अपने भट्ठे पे। अने पिताजी अपने को सामने रिसीव करने के लिए मिल गए ना पापा। तो अभी एक गाड़ी में पापा के दोस्त ही होंगे, ये आए हैं मशीनें लिए अभी रिसेंटली ब्रिक्स के लिए, जो ईंटें बनाने के लिए मशीनें होती है ना, वो थोड़ा सा लुक दे देती हूँ इनके ऊपर, पर्टिकुलर अलग वीडियोज़ में लेके आऊँगी। दो मशीनें कहाँ से लेके आए, क्या कॉस्ट रहा है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आने के बाद बहुत हद तक लेबर का काम बढ़ जाता है, कम हो जाता है, मतलब है ना पापा, जितनी लेबर लगती है उसके बाद ये आने के बाद शायद 1/4 लेबर ही लगती है, उससे ज़्यादा तो लगती है 25%। तो बहुत हद तक लेबर का काम कम हो जाता है, काम ईजी हो जाता है। इसके बारे में सारा पर्टिकुलर अलग वीडियोस में बताएंगे पापा, ठीक है। तो अभी दूसरे वाले भट्ठे पे आया, अंदर वाले पे मतलब एक और है वहाँ पे नहीं गए, क्योंकि पापा आया था, मैं पापा के पास आना था। बाकी सारी मशीनें और ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर का मेरा मन था कि पापा के साथ एक छोटी सी ट्रैक्टर राइड में चाहे हम भट्ठे पे ही करूँ। चलाओगे ये? तो ये जोड़ रखे हैं इसके साथ, तो बैठो चलो बैठो रहो ना, ना आप चलाओ। दो मतलब मैंने ट्रैक्टर सीखा था पर चलाया नहीं था, आज इस पे सीट पे पहली बार मतलब पापा के साथ चला रहा, मतलब ऐसे अकेले कभी नहीं चलाया था, लेकिन अब इतना इजी लग रहा है पापा आपके साथ चलाना। हाँ अब अकेला भी चला सकती हूँ, तो इजी है पापा, आसान है ये। अगली बार मैं ज्यादा लंबा वाला चलाऊंगी, भी तो मैंने थोड़ा सा एक ही राउंड पापा के साथ लगा, लेकिन डर खुल गया। थैंक यू फादर साहब प्रैक्टिस के लिए। आप क्या आराम कर रहे थे हैं, क्या परेशान कर दिया है अब रोहतक वाले घर मैं और बग्गू बग्गू इसका मन तो नहीं था ना, क्या इसका यूँ हो रही कि गाँव में रहना, फिर मैं कहा बेटा पढ़ाई भी करनी जरूरी है ना, फिर आ जाएंगे है ना। तो आप दिखाओ मशीन ने ईटे अपनी, हम पहुंचते हैं घर। बाय पापा, चले बग्गू जलाई वाले का चलो ऊपर। हाँ। नहीं मैं पता है फिर आऊंगी, हाँ मैं देख आती हूँ, आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो पूरी लाऊंगी। नहीं देखेंगे एक बार देख। अच्छा ठीक ओके, इतना बोल रहे हो तो देख लेती हूँ। बहुत गर्मी है भैया यहाँ तो। ओहो हो 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 क्या बात है, तो पूरी इसमें आगे इसमें ईटे बन रही है। ओहो
जी पहुंच चुकी हूँ घर पे है। मम्मी चाय पी रही चाय, है। चाय चाय नहीं चाय के साथ साथ ये क्या चल रहा है वीडियो अपना। 12 बज चुके, 12 नहीं 12:30 हो गए। टाइम अब लगा है ना काम में। अच्छा, लग रही थी 12:35 हो गए। माता जी अपना व्लॉग चलाए बैठे और एड आई है तो एड तो पूरी देखनी है। मतलब एक ट्रू सपोर्टर, ट्रू सब्सक्राइबर और ट्रू दोस्त अपनी अपनी माता श्री है। मतलब ऐड जाए 10 ऐड आते हैं तो 10 के 10 भी देखते हो ना मम्मी। हाँ, करूं एक भी ऐड नहीं काटे तो मैंने एक बार तो एक सॉन्ग आ गया था 6 मिनट का गाना था। वो 6 मिनट तक मम्मी ने फोन यू का रख दिया कि ऐड खत्म होगी तो ही मैं व्लॉग स्टार्ट करूंगी। मम्मी भूख लग गई बढ़िया तो मैं ट्रे कर दी अंडे की किचन में। भाभी का कॉल आया था वीडियो कॉल एंड उन्होंने चीनू कितनी प्यारी प्यारी कुछ क्लिप्स मुझे भेजी हैं। मैं अभी वो क्लिप्स यहाँ पे डालती हूँ, आप लोग भी देखिए। शाम के 6:38 और कल एक बहुत जबरदस्त सरप्राइजिंग चीज आने वाली है। मतलब मेरे लिए मैं बहुत वेट कर रही हूँ उस चीज का। कैसे हिंट दे सकती हूँ मैं आप लोगों को, जो लोग पंजाब साइड से है ना वो समझ जाओ बहुत अमेजिंग और ब्लॉकबस्टर चीज आने वाली है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। मैं अभी नाम और कुछ भी उस चीज के बारे में ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगी, कल वाले व्लॉग में देखने मिलेगा। कितने दिन से इसको भी नहीं निकाले, सारी पे मिट्टी मिट्टी हो रखी है। कोई नहीं बेटा, तेरे को भी चलाएंगे। ये कुछ फाइल्स मैंने अभी अपने लैपटॉप में ले ली हैं, जिसमें कि मैंने सारा अपना गांव वाले घर का जो होम टूर की क्लिप्स शूट करी थी वो सारा डाटा भी लिया है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये चाह रहे थे कि प्लीज़ आप अपने गांव वाले घर का होम टूर वीडियो लेके आओ, तो सारा शूट मैंने कर लिया, एडिट नहीं किया है। आज रात को अभी बैठ के 2-2.5 घंटे प्रॉपर मैं इस पर देख अच्छे से एडिट करके वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। थोड़े दिनों बाद आएगी, मतलब 2-3 वीडियो के बाद आएगी, या हो सकता है कल के बाद आ जाए, अभी कुछ नहीं पता मुझे। और जो आज ये व्लॉग शूट हुआ है ये मैं सुबह उठ कर अर्ली मॉर्निंग करूँ, क्योंकि 2 व्लॉग हो गए, एक होम टूर एक ये वाला, तो ये एडिट करने 4-4.5 घंटे का टाइम है 2 वीडियोस का, एक अभी एक सुबह। इसी बीच मम्मी पापा के साथ रात को सोने से पहले 1.5 घंटा मुझे लूडो भी खेलना है, क्योंकि वो मस्ट है। मतलब पूरा दिन घर पर रह रहे के बोरियत में कटता है, फिर जब रात को 1.5 घंटा लूडो खेलते हैं तो रिफ्रेशमेंट आ जाती है बॉडी में, जो कि ज़रूरी भी है यार। ठीक है, तो इस व्लॉग के लिए रखते हैं। मम्मी खाना बना रहे, बग्गू क्या खाना है? खिचड़ी बना रही है नानी और आलू की सब्जी, मुझे बहुत भूख लगी है। आपको क्या खाना है फिर, खिचड़ी या रोटी? रोटी। मैं खाऊंगी खिचड़ी। तो इस ब्लॉग के लिए रखे इतना ही। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एट द एंड हमेशा की तरह मौज लो, खोज लो, ना मिले तो खोज लो। बाय।